हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए ब्लॉग के साथ, नई सुबह और नई शुरुआत के साथ। तो स्वागत है आप सभी का एक बार लेजेंड पहाड़ी प्रमोद राणा के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं अभी खड़ा हूँ अपने गांव के धारे पे, मेरे ठीक पीछे हमारे गाँव का धारा। और आज हमारे गाँव में आ रखे हैं हमारे NSS वाले, जितने भी छात्र छात्राएँ हैं वो हमारे गाँव में आ रखे हैं। और अभी मैं दिखाऊँगा NSS वालों की दिनचर्या और किस प्रकार से NSS की कार्यप्रणाली होती है। तो फिलहाल अभी हूँ मैं गाँव के धारे। दोस्तों, ये है हमारे गांव का धारा और इस पे गौमुख लगे हुए हैं, यहाँ से पानी आता है। और अगर मैं बात करूँ इस धारे की, तो ये धारा बहुत ही प्राचीन धारा है और इसका पानी गुरमंज नामक तोक से आता है। तो दोस्तों, फाइनली हमारे गांव में NSS वाले आ रखे हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ NSS वालों की दिनचर्या। तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि नेशनल सर्विस स्कीम जो यहाँ पर हमारे राजकीय इंटर कॉलेज गंगासू बांगर में जो यूनिट है, उस यूनिट के यहाँ पे सभी लड़के और लड़कियाँ आ रखी हैं। तो अभी मैं दिखाऊंगा किस प्रकार से वो काम करते हैं और कैसे हमारे यहाँ पे NSS वाले काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे सामने पे आप देख सकते हो NSS वाली लड़कियाँ यहाँ पे काम कर रही हैं और कुछ अभी काम करके आ रखे हैं सामने पे। और सामने पे है हमारा गाँव खोड़ बांगर और इस गाँव के सामने पे ये लगे हैं NSS के छात्र छात्राएँ हैं यहाँ पर काम करने के लिए। और थोड़ा यहाँ पर प्लास्टिक उन्मूलन का जो इनकी प्रक्रिया होती है वो यहाँ पे पूरी कर रहे हैं। और यहाँ पे इन्होंने ये प्लास्टिक इकट्ठा करके यहाँ पे जला रहे हैं, जो भी गांव में जो भी प्लास्टिक होगा। और आज इनका था प्लास्टिक उन्मूलन का कार्य। तो दोस्तों, फाइनली दिन के 11:30 बज चुके हैं और अभी इन्होंने बहुत ज़्यादा काम करके थक चुके हैं। यहाँ पे सभी छात्र छात्राएँ जो भी हैं वो NSS वाले। तो दोस्तों, ये यहाँ पे हैं NSS वाले जो भी छात्र छात्राएं हैं। और आज हमारे गांव में कल से शुरू हुआ था ना, तो कल से यहाँ पे NSS कैंप शुरू हुआ है, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज गंगासू बांगर की इकाई है, जिसमें 25 लड़के लड़कियाँ यहाँ पे इस NSS कैंप में हैं। और ये डे नाइट का ये कैंप होता है और इसमें अभी दिन की जो दिनचर्या हुई, अभी इन्होंने सफाई की पूरे गाँव की। और अभी हम हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोड़ में और सामने पे हमारा गांव खोड़ बांगर यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये नीचे बैठ रखे हैं जो भी NSS वाले हैं। इन्होंने हो रहा है अभी दिन के 12:30 बज चुके हैं और 12:30 बजे तक इन्होंने अभी तक यहाँ पे सफाई, और आज था पॉलीथीन उन्मूलन का कार्य। और पॉलीथीन उन्मूलन का जो कार्य था, उससे इन्होंने सभी जगह की जो भी पॉलीथीन है, जो भी प्लास्टिक है, प्लास्टिक उन्मूलन में जो सभी सामग्री आती है उसमें प्लास्टिक उन्मूलन से रिलेटेड जो भी प्लास्टिक की वस्तुएं थी वो सभी इकट्ठा करके एक साथ एक जगह पे, अभी मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे जला रखी थी, और उससे हमारे गांव की जो प्लास्टिक की जो चीज़ें थी वो सब इकट्ठा करके एक जगह पे ले गए थे। दोस्तों, अभी यहाँ पे हम बैठ रखे हैं और जो यहाँ पे सभी बैठ चुके हैं ये बताएंगे NSS के बारे में, क्या यहाँ पर बैठ चुके हैं और फाइनली ये बताएंगे हमें NSS के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम बिजय सिंह जी है। हमारा कैंप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खोड़ में लगा है। हमारा कैंप लगा है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खोड़ में। हेलो दोस्तों, गंगासू इंटर कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं और हमारा कैंप यहाँ खोड़ बांगर में लगा है। यहाँ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खोड़ में लगा है और हम राष्ट्रीय सेवा योजना का कैंप है NSS का। और हम यहाँ सफाई करने आ रखे हैं और दूसरों के मन में लगाने आ रखे हैं। तो दोस्तों, फाइनली ये यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करने के बाद निकल चुके हैं गांव की ओर। और गांव में जगह जगह रास्तों में जहाँ भी प्लास्टिक पड़ा होगा या पॉलीथीन पड़ी होगी, प्लास्टिक से रिलेटेड जो भी यहाँ पे प्लास्टिक की वस्तुएं होंगी, चाहे बोतल होंगी, चाहे प्लास्टिक का जो भी सामान होगा, उन सभी को इकट्ठा करके एक जगह पर लेके आएंगे। और यहाँ पे ये हमारे पंचायत भवन के जस्ट सामने पे अभी हैं और यहाँ पे है ये हमारे गांव का धारा भी नज़दीक है। और ये है हमारे गांव का धारा जिसका पानी गुरमंज नामक तोक से आता है। और ऐसी मान्यता है कि इस धारे का पानी सीधे बांध के जड़ों से आता है। और यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी है, शिवालय। और यहाँ पे आप देख सकते हो अंदर शिवलिंग है और यहाँ नीचे पानी भी है। और यहाँ पे कल शिवरात्रि के दिन पूजा हुई होगी। और अब जा रहे हैं ये सभी NSS वाले जो छात्र छात्राएँ हैं गाँव की ओर, धारे से आगे निकल चुके हैं। और अब ये पूरे गांव में सफाई का जो इनका प्लास्टिक उन्मूलन का जो कार्य है वो सभी इस कार्य को पूरा करने के बाद जाएंगे अपने खाना खाने के लिए जूनियर हाई स्कूल में। और अभी यहां पे ये
सफाई कर रहे हैं। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी सफाई हो रही है और ये है विशेष शिविर के अंतर्गत। तो दोस्तों यहाँ पे आज माँ का डाल रखे हैं गेहूँ और इसको ले जाएंगे अब हम चक्की पे। देख सकते हो गेहूँ डाल रखे हैं। तो दोस्तों ये जा रहे हैं एनएसएस वाले ऊपर गांव की ओर और अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को पक्का प्रेस करना।